हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे क्रोशिये से 1 से लेके 2 साल के बच्चे के लिए शॉर्टी। ये हमने ब्लैक एंड वाइट कलर यूज़ किया है, आप अपने हिसाब से कलर ले सकते हैं। ये 1 से 2 साल के बच्चे के लिए है। अब हम जो बनाने जा रहे हैं वो थोड़ी बड़ी है, 3 से 4 साल के बच्चे के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम ब्लैक ऊन लेंगे, एक नॉट लगाएंगे और हम 100 चेन बनाएंगे, सिर्फ चेन, 100 चेन। ये देखिए, अब 100 चेन के ऊपर 100 चेन ली हमने, 100 उसके बाद 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे और ये ऊपर से लेके तीसरी चेन है, चौथी, उसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद सारी चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। हंड्रेड चेन के ऊपर हम 100 बार डबल क्रोशिया लेंगे और इसी तरह के हम 5 राउंड बनाएंगे। जो हमारा डबल क्रोशिया का राउंड है पहला, उसके ऊपर एक और उसके ऊपर, इस तरह से हम 5 राउंड बनाएंगे और बीच में हम कलर चेंज करते जाएंगे, 2 राउंड ब्लैक के, 2 राउंड वाइट के, इस तरह से। तो ये 5 राउंड बना के फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने 5 राउंड बना दिए हैं, 2 राउंड ब्लैक उनसे, 2 राउंड वाइट और 1 राउंड ब्लैक से। अब क्या करना है, इसको जॉइंट करना है। ये वाइट और ब्लैक हम एंड में काटेंगे नहीं, इसी तरह रहने देंगे। यहाँ से स्टार्ट किया था पहला आखिरी राउंड, 5वां, उसकी 3 चेन है, उसकी तीसरी चेन में हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। यहाँ तक हमें ये खुला रहने देना है, फिर आगे हम राउंड में वर्क करेंगे। 3 चेन लेंगे और हर एक के ऊपर डबल क्रोशिया, यानी 6ठा राउंड बनाएंगे। 5 राउंड हम इस तरह से ओपन बनाएंगे और 6ठा राउंड हम यहाँ से राउंड में बनाएंगे, यहाँ से जॉइंट कर देंगे, इस तरह से अलग नहीं रखेंगे, ठीक है। ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया हमारा। फिर यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। और यहाँ पे ब्लैक कलर की वुलन ले लेंगे। फिर यहाँ पीछे की साइड, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे स्लिप स्टिच किया, उसके बाद हम स्लिप स्टिच करते हुए जो हमने 2 चेन बीच में बनाई थी वहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से ब्लैक कलर की ऊन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 3 चेन और उसके बाद 2 डबल क्रोशिया। अब आगे के सारे राउंड में हम सिर्फ 3-3 डबल क्रोशिया बनेंगे, इसमें 4 लिए थे तो अब इसमें 3-3 बनाएंगे। फिर 2 चेन, उसके बाद जो हमने 2 चेन बनाई थी उसमें फिर से 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। अब इसी तरह से हम आगे इसको मिला के 5 और राउंड बनाएंगे, पहले वाइट, फिर ब्लैक, इसके बाद वाइट आएगा, फिर ब्लैक, इस तरह से कुल मिला के हमें 6 राउंड बनाने हैं। तो ये राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ सेम इसी तरीके से। देखिए, ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। अब हम वाइट कलर की ऊन स्टार्ट करेंगे।
इसमें लूप लेके ये वाला धागा खींच लेंगे। अब यहाँ पे एक स्लिप नॉट लगा देंगे, तीन चेन, और इसी में तीन बार डबल क्रोशिया, तीन हो गए। अब हम दो चेन लेंगे और यहाँ पे ये जो डबल क्रोशिया उसकी दो चेन छोड़ेंगे, यानी कि दो डबल क्रोशिया को छोड़ के तीसरे के ऊपर चार बार डबल क्रोशिया करेंगे। दो, तीन और चार, दो चेन लेंगे, नीचे के दो डबल क्रोशिया छोड़ेंगे एक और दो, और तीसरे के ऊपर हम फिर से चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने सिक्स राउंड बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे हम जॉइंट करके फिर धागे को काट देंगे। धागा लंबा रखेंगे, काट दिया। अब क्या करना है, अब हम इस तरह से बीच में से नाप बना लेंगे। ये जो हमने अलग रखा था वहाँ से यहाँ तक इस तरह से अच्छे से, या फिर आप क्रोशिया गिन लीजिए उस तरीके से भी हम बीच में नाप ले सकते हैं। बीच वाला है, यहाँ से क्रोशिया गिनेंगे यहाँ तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये बीच वाला आएगा और यहाँ से ये बीच वाला आएगा। इन दोनों को इस तरह से अब हमें जॉइंट करना है। इस साइड भी सेम आने चाहिए और इस साइड भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 16 और ये 17 हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस साइड एक कम है लेकिन चलेगा। अब यहाँ से हम वाइट कलर का धागा स्टार्ट करेंगे। एक आध डबल क्रोशिया इधर उधर किसी में भी चलता है, ठीक है। इस तरह से हम स्लिप स्टिच लगा लिया, ठीक है। अब तीन चेन लेंगे, 1 2 और 3, और यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को मिला के हमारे तीन डबल क्रोशिया लिए, बीच में एक चेन लेंगे और यहाँ पे हम तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने आगे राउंड बनाए सेम इसी तरीके से बनाने हैं, लेकिन यहाँ से दो अलग अलग राउंड बनाएंगे। यहाँ पे जॉइंट करेंगे बीच में, एक राउंड यहाँ आएगा और एक राउंड यहाँ आएगा। ये दोनों साइड के पैर के हिस्से बनेंगे, ठीक है। बीच में एक चेन, तीन डबल क्रोशिया, इसी तरह से ये राउंड
कंप्लीट कर देंगे सेम आगे जैसे बनाया वैसे ही, लेकिन अब दो साइड में हम दो राउंड बनाएंगे अलग अलग। देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए ये जो हमने बीच में एक चेन ली थी वहाँ तक आ जाएंगे और यहाँ से हम फिर से ब्लैक कलर का वुलन ले लेंगे। एक बार यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर तीन चेन और दो बार डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया एंड टू। और यहाँ पे हम चेन बीच में एक नहीं लेंगे ताकि हमें आगे इससे थोड़ा कम रखना है। ये जितने क्रोशिया है डबल क्रोशिया लिए है हमने उसे कम करने हैं, इसलिए हम बीच में चेन नहीं लेंगे ताकि आगे से थोड़ा सिक्योर जाए। इसी तरह से हम इस ब्लैक राउंड के बाद एक राउंड वाइट से बनाएंगे जो दोनों करके मैं आपको बताती हूँ। सेम इसी तरीके से बीच में चेन नहीं लेनी है, ब्लैक के बाद एक वाइट। ये देखिए वाइट राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है सेम इसी तरीके से जैसे हमने ब्लैक और नीचे बनाया बिना चेन के। यहाँ पे हम जॉइंट कर देंगे और इस वाले धागे को एक दो नोट लगा के काट देंगे। अब हम ब्लैक वाले उनसे आखिरी राउंड बनाएंगे, तीन चेन और पांच बार डबल क्रोशिया। पांच बार डबल क्रोशिया हो गया। अब इन दोनों के बीच हम इसे जॉइंट करेंगे और इसके बाद की जो हमारी दोनों के बीच जगह आती है वहाँ पे हम फिर से छः बार डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे एक चेन और पांच डबल क्रोशिया मिला के छः हो गए, तो यहाँ पे हम छः डबल क्रोशिया करेंगे। छः डबल क्रोशिया हो गए और इसके बाद का जो खाली जगह है वहाँ पर हम इसे स्लिप स्लिप से जॉइंट करेंगे। तो इसी तरह से हम ये नीचे का आखिरी राउंड कंप्लीट करते हैं। ये देखिए इसका आखिरी राउंड भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे और इस वाली जो हमने पहले तीन की चेन बनाई थी वहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर एक दो नोट लगा के हम धागे को काट देंगे और इसे अंदर की साइड अच्छे से नोट लगा देंगे। हमेशा धागा वुलन का थोड़ा लंबा ही रखिए और इधर उधर कर दीजिए ताकि ये जल्दी से खुल ना जाए। अब इस वाले में क्या करेंगे, इस वाले में 17 ऐसे डबल क्रोशिया है, एक जो हमने तीन तीन के डबल क्रोशिया बनाए हैं लूप बनाए हैं वो 17 है और इस साइड 16 है। तो हम क्या करेंगे, एक राउंड में ये वाइट वाला राउंड आएगा उसके बाद जो ब्लैक है उसमें इस तरह से हम
दो को इंक्रीज कर देंगे ताकि दोनों साइड सेम आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, या फिर पहले राउंड में भी कर सकते हैं। मैं आपको पहले राउंड में करके बताती हूँ। कुछ नहीं, हमें सिर्फ इस राउंड में इस साइड में एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। यहाँ स्टार्ट हम यहीं से करेंगे जहाँ पे हमने ये राउंड स्टार्ट किया था, बीच का जो हिस्सा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तीन चेन बना लिए और दो डबल क्रोशिया। चेन को मिला के मेरे तीन डबल क्रोशिया हो गए। अब हम बीच में एक चेन लेंगे, डबल क्रोशिया, एक चेन, उसके बाद इस वाले में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इस वाले में तीन बार डबल क्रोशिया करेंगे, अब इसके बाद का राउंड आएगा। उसके राउंड में हम इसके ऊपर ये जो चेन पड़ रही है उसके ऊपर बनाएंगे, इसको बीच में ले लेंगे ताकि ये दोनों इंक्रीज हो जाए और इसमें एक कम हो जाएंगे। बाकी सेम इसमें बनाए उसी तरह से आगे के दो राउंड भी हम बना लेंगे, और ये राउंड भी जो लास्ट हमने बनाया सेम इसी तरीके से इस वाले में भी राउंड बना लेंगे। देखिए, आखिरी राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जो हमने पहले बनाया था सेम इसी तरीके से। अब आगे की साइड हमने बटन लगा दिया है और इस तरह का 10 चेन का लूप बना दिया है, और इसमें क्या करेंगे हम सेम इसी तरीके से कपड़े से बना के सिलाई लगा के अंदर की साइड हम कवर करेंगे, अंदर की साइड लगा देंगे ताकि ये वुलन है वो चुभे ना। और पीछे की साइड हम इलास्टिक लगा देंगे, सिर्फ पीछे की साइड, आगे की साइड नहीं। तो ये हमारा शॉर्टी बन के रेडी है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।